बिहार में नई सरकार बन गई। नई गठित विधानसभा का पहला सत्र भी बीत गया, लेकिन एनडीए के राजनीतिक विरोधी अभी भी इस बात को नहीं पचा पा रहे कि बीते विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा था। इसलिए कभी कथित रूप से सरकार तोड़ने की कोशिश में लालू प्रसाद यादव का ऑडियो वायरल हो जाता है, तो कभी जेल से विधानसभा में शपथ लेने पहुंचे अनंत सिंह जल्द ही एनडीए सरकार गिराने का इशारा कर चले जाते हैं। लेकिन एलजेपी के मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान ऐसा सोचते हैं, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। जी, हम बात चिराग पासवान की ही कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर एनडीए के नेताओं के होश उड़ जाएंगे। चिराग ने आज संवाददाताओं से बात करते हुए ये कह दिया कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में ही रहने को कहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। आप खुद सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा। तभी मैंने अपने पार्टियों के साथियों से मैंने आग्रह किया कि चुनाव के लिए तैयार रहें, कभी भी संभवतः बिहार में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में बिहार में सरकार चल रही है, तो पार्टी के लोगों को मैंने ज़रूर इस बात के लिए मैंने आग्रह किया है कि तमाम सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी रखें, कभी भी चुनाव की घोषणा। बिहार में एलजेपी प्लस बीजेपी की सरकार बनाने का दावा करने वाले चिराग अब ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। इसलिए चिराग ने अपने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में ही रहने का निर्देश दिया है। एक बार फिर सुनिए चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। तभी मैंने अपने पार्टियों के साथियों से मैंने आग्रह किया कि चुनाव के लिए तैयार रहें, कभी भी संभवतः बिहार में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में बिहार में सरकार चल रही है, तो पार्टी के लोगों को मैंने ज़रूर इस बात के लिए मैंने आग्रह किया है कि तमाम सीटों पर अपनी मजबूत तैयारी रखें, कभी भी चुनाव की घोषणा। अब चिराग के दावे में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि एनडीए सरकार की राहों में मुश्किलों का अंबार खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।